अदाकारा हैं जिन्होंने DDLJ मूवी के थ्रू किया था बॉलीवुड में अपना डेब्यू। और क्या है उनकी कहानी, क्यों रही थी 2020 में वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में। तो दोस्तों, मंदिरा बेदी उन अदाकाराओं में से और उन बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं जो कि सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने हर मौके का भरपूर फायदा उठाया है और हमेशा खुद को सही साबित करके सबके सामने दिखाया है। उनकी जिंदगी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं थी, उन्होंने टेलीविजन यानी कि छोटे पर्दे पर भी काफी लंबे समय तक काम किया। तो आइए आज उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी आज की दोस्त मीनाक्षी और मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए फिल्मी जगत की कुछ ताज़ा खबरें। तो दोस्तों, मंदिरा बेदी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1972 को कलकत्ता में। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई से पूरी की और उसके बाद स्कूलिंग के बाद उन्होंने अपना कॉलेज भी मुंबई के बहुत ही फेमस कॉलेज सेंट सेवियर कॉलेज से किया। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मंदिरा ने ये निर्णय लिया कि वह टीवी सीरीज में और बॉलीवुड में कदम रखने के बारे में विचार करेंगी। उनका पूरा दिलचस्प एक्टिंग की तरफ था और उन्होंने सन 1994 में DD नेशनल के एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक शांति से अपना डेब्यू किया था टेलीविजन पर। इसके बाद उन्होंने शांति सीरियल के थ्रू अपना बहुत नाम कमाया और साथ ही में लोगों के दिलों में बहुत जगह हासिल की। इसके बाद उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, 24, औरत, आहट इन जैसी कुछ खास सीरियल्स किए जिनके थ्रू उनको बहुत फेम और बहुत प्यार मिला। और इसके बाद उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू DDLJ के थ्रू किया। हालांकि DDLJ यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उनका सीन बहुत छोटा था, यानी कि उनका कैरेक्टर एक बहुत छोटा पार्ट निभाता है, लेकिन उन्होंने उस एक्टिंग के लिए काफ़ी सराहना पाई। इसके बाद उन्होंने 10 कहानियाँ, साहो जैसी कुछ खास मूवीज़ की हैं और वोडका डायरी जैसी कुछ खतरनाक मूवीज़ में भी उनका नाम शामिल होता है। अब अगर बात करें सिर्फ इतने ही सीमित होने की, तो नहीं दोस्तों, मंदिरा बेदी की सोच इससे काफ़ी बड़ी थी। वह मूवीज, फिल्मों के और टीवी के अलावा वह आई हैं काफ़ी वेब सीरीज़ में भी। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ वेब सीरीज़ जैसे कि शादी फिट में भी अपना कमाल दिखाया और स्मॉथ थिंडरस्टान जैसी कुछ बेहतरीन वेब सीरीज़ में काम करके लोगों के दिलों में फिर से जगह हासिल की। अगर आपको बताएं दोस्तों, तो उनको एक्टिंग के अलावा क्रिकेट का भी बहुत शौक है और इसीलिए उन्होंने क्रिकेट के लिए भी टीवी प्रेजेंटेशन काफ़ी बार की है। और उस टीवी प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने जो साड़ी पहनी थी उनकी पूरी दुनिया दीवानी है। और इसी के बाद उन साड़ियों की इतनी सराहना की गई और लोगों ने उस साड़ियों के पीछे इतना पागलपन दिखाया कि मंदिरा बेदी ने अपना ही साड़ियों का एक स्टोर खोलने का निर्णय लिया। अब अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरह उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत बेहतरीन रही है। उन्होंने सन 1999 में यानी कि अपने एक्टर बनने के कुछ साल बाद ही एक डायरेक्टर राज कौशल से शादी की थी। उनकी शादी बहुत ही बेहतरीन रही और उसके बाद जब वह 39 साल की थी यानी कि 12 साल बाद उन्होंने अपने पहले बेटे वीर को जन्म दिया। इसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि कब से वह चाहती थी कि वह माँ बने, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण उन्होंने अपने पहले बेटे को ही 39 उम्र में ही जन्म दिया। इसके बाद अगर आपको बताएं उनके 2020 की इन सुर्खियों के बारे में, तो दोस्तों सन 2020 में भी उन्होंने एक बेटी अडॉप्ट की है और उनका नाम उन्होंने तारा बेदी कौशल रखा है, जिसकी वजह से वो लोगों की निगाहों में बहुत आई थी। अब अगर बात करें उनकी आखिरी सुपरहिट फिल्म के बारे में, तो उन्होंने अपनी अदाकारी आखिरी बार 2019 की सुपरहिट फिल्म यानी कि साहो में दिखाई थी, जिनका निर्देशक सुजीत ने किया था। तो मूवी का बेहतरीन होना बनता भी था। इस मूवी में प्रभास यानी कि साउथ एक्टर प्रभास और उनके साथ श्रद्धा कपूर नजर आए थे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एक दिलचस्प बात कि इस बार इस मूवी का रीमेक बनने वाला है और इस बार भी पिछली बार की तरह ही सुजीत इस मूवी को निर्देशित करेंगे और वहीं पे प्रभास भी अपना रोल निभाते खुद नजर आएंगे।
हालांकि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि श्रद्धा की जगह कौन लेने वाला है, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि श्रद्धा कपूर इस बार इस मूवी में नहीं नजर आने वाली है। अब अगर आपको बताएं अंदिरा बेदी के बारे में, तो उन्होंने साहू में एक छोटा सा रोल निभाया था एक क्लिक नाम के कैरेक्टर का, जो शायद इस बार मूवी में नजर ना आए क्योंकि फिल्म मेकर्स मूवी की स्टोरी लाइन को काफी चेंज करने वाले हैं। लेकिन ये फिल्मी जगत है साहब, यहाँ पे कब क्या हो जाए ये तो कोई भी नहीं जानता। इवन फिल्म बनाने वाले नहीं जानते कि फिल्म बनाते बनाते क्या क्या नई चीजें बन जाती हैं। और इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि अंदिरा बेदी के छोटे से पार्ट को अब लीड रोल मिल जाए, यानी कि उनकी स्टोरी एक टर्न अप ले ले और वह मेजर रोल्स में से एक हो जाए। खैर, इस बारे में आपको थोड़ी एक्साइटमेंट बरकरार रखने बचानी होगी हमारी अगली वीडियो के लिए। अब इतनी बेहतरीन खबर है तो थोड़ा इंतज़ार तो बनता है, इसलिए आप कीजिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार। अगर आपको इस वीडियो में जुड़ी कोई भी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और करें चैनल को सब्सक्राइब ताकि हम आप तक ला सकें फिल्मी जगत की जुड़ी सारी खबरें रोज़ाना।